Seriously. What the hell? Assalamu alaikum, beautifuls. How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. इंट्रो ऐसा बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आई सीरियसली डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट. सीरियसली मतलब द ऑयल इज डेफिनेटली गुड. बहुत से लोगों के मैं बड़े अच्छे कमेंट्स देखती हूँ इस ऑयल के बारे में, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट. बाकी ऑयल इज नॉट बैड एट ऑल. मुझे इसको यूज करते हुए कुछ अरसा हो गया है. मैं अपने बालों पर बहुत कुछ अप्लाई करती हूँ. आई ट्राई टू यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू मेक दम गुड. आप समझ लें कि तकरीबन मैंने इसको वन क्वार्टर तो यूज़ किया होगा. यू कैन नॉट सी फ्रॉम द बॉटल हेयर, तकरीबन इतना तो यूज़ किया होगा मैंने. चलिए अब इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं. एक प्लास्टिक की बॉटल है विच इज़ नॉट सो बैड बट आम सी है. अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट स्टॉप्स हेयर फॉल, प्रमोट न्यू हेयर एट थिकनेस, एंटी डेंड्रफ, मेक योर हेयर थिक लॉन्ग, कन्वर्ट ग्रे हेयर टू ब्लैक. वेरी गुड. बाकी इट इज रिकमेंडेड फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. उसके बाद आपको यहाँ पर इनका व्हाट्सएप नंबर भी मिलता है. बालों के तमाम मसाइल का हल मुसलसल इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं और सफ़ेद बाल स्याह हो जाते हैं. वेरी गुड, आई लाइक व्हाट इट सेज. लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं इंग्रेडिएंट्स नहीं नज़र आ रहे. सो व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड द पेज टू सेंड मी द इंग्रेडिएंट्स कि आपने इस ऑयल में डाला क्या क्या. सो आई कैन गाइड यू गाइस कि इस ऑयल में क्या क्या है. सो दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑयल. बाकी इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि ये है क्या. इस एक बात तो श्योर है कि इसमें कोकोनट ऑयल नहीं है, विच डज नॉट सूट्स मी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल ऑयली हैं, ग्रीसी हैं. सो मेरे बालों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता. दे जस्ट गेट क्लॉग्ड, उसके जो मसाम है वो क्लॉग हो जाते हैं एंड आई गेट मोर डैंड्रफ आउट ऑफ इट. सो लेट्स ओपन दिस बॉटल. अच्छा, बॉटल ओपन करने पर आपको स्क्रू वाली बॉटल मिलेगी. आपको न्यू, आई हैव ऑलरेडी यूज इट एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट्स रिव्यू विद यू गाइज कि आई हैव ऑलरेडी यूज इट. तो जब आप स्मेल करते हैं तो जैसे तारे मीरे का ऑयल होता ना, इसमें वो है डेफिनेटली. सरसों का तेल है, आई कैन डेफिनेटली से दैट. आमंड ऑयल है, जैतून का तेल भी मुझे स्मेल हो रहा है एंड दीज आर द मोस्ट डिस्टेंट स्मेल्स आई कैन स्मेल. बाकी मैं इस ऑयल को यूज कैसे करती हूँ, तो मैं जब भी अपना हेयर पैक बनाती हूँ, जो हर्बल हेयर पैक्स होते हैं, उसमें इस ऑयल का 1 tablespoon ऐड कर लेती हूँ. सो आई डोंट गेट द स्मेल इशू आउट ऑफ इट. मुझे स्मेल इशू नहीं रहता. बाकी आई डू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑयल. अच्छा, ये मुझे ऑयल मिला था इंस्टाग्राम पे, एक पेज है प्लांट थेरेपी के नाम से, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. इस ऑयल की प्राइस कितनी है इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट. बाकी मुझे ये ऑयल रेमेडीज खानम से मिला था. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग गुड प्रोडक्ट्स विद मी. एंड इनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. शैम्पू बहुत अच्छा है, इनका कंडीशनर भी न्यूली लॉन्च्ड है, और इसके अलावा क्लिंजिंग में इनका बहुत अच्छा है. आई डिड नॉट यूज्ड इट. मुझे इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे मिले हैं वहाँ पर. बाकी हर्बल पैक भी हैं, देयर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. बाकी अगर इस पर्टिकुलर ऑयल की बात करूँ तो आई हाईली रिकमेंड दिस. इससे आपको बेनिफिट्स होंगे. वट एवर इज़ मैंशन इन द बॉटल, यू डिड गेट ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. बाकी यहाँ पर मैं और भी ऑयल्स की वीडियो ऐड कर रही हूँ, सो यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द हेल्प आउट ऑफ देम. बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऑयल्स की. ऑयल की बड़ी अच्छी एक रेमेडी है. प्लस आई डू हैव अ रिव्यू ऑफ सम अदर ऑयल्स एज वेल. इसके अलावा हर्बल हेयर पैक आप बना सकते हैं टू स्ट्रेटन योर हेयर एंड गिव देम ऑल द नरिशमेंट. सो या, यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बिफोर यू लीव डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. अल्लाह हाफिज़.